और उसमें क्लाइंट को इंटरव्यू करते हैं तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है कि क्या कोई साइकेट्री इलनेस उनकी फ़ैमिली के अंदर रन कर रही है या नहीं कर रही ठीक है तो अगर किसी की फैमिली के अंदर बायपोलर डिसऑर्डर जो है वो रन कर रहा है तो इट इज़ मोर लाइकली कि जो डिसऑर्डर है अगर वो उसका ऑनसेट हो गया है तो दैट माइट बी ड्यू टू तो जेनेटिक रीजन्स तो ये एक फैक्टर जो है वो प्रिवेल कर रहा है और ये कहा जाता है कि जिन फैमिलीज़ में बाइपोलर डिसऑर्डर है यानी मीनिया है या डिप्रेशन है या, या हाइपोमीनिया है तो वहाँ पर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है देन द ब्रेन स्ट्रक्चर ब्रेन स्ट्रक्चर के रेफरेंस में Uh, ये कहा जाता है कि जो बेसिकली बालम uh, है उसका जो वॉल्यूम है वो इन बच्चों के अंदर रिड्यूस होता है इसी तरह बेसल गेंगला जो है उसका भी जो वॉल्यूम uh, है वो रिड्यूस है तो ब्रेन uh, स्ट्रक्चर uh, के रेफरेंस में यू कैन सी कि एम आर आई रिपोर्ट जो हैं वो इस चीज़ को डिफाइन करती हैं देन वी विल मूव टूवर्ड्स द न्यूरो ट्रांसमीटर एज़ यू ऑल नो कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं इनसाइकेट्रिक डिसऑर्डर तो जब हम बात करते हैं बायपोलर डिसऑर्डर की तो उसमें जो सेरेटोनिन लेवल है एंड नॉर एपिनोफिन लेवल है अगर वो लो होगा तो डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर सेरेटोनिन लेवल लो है और नॉन एपिनोफिन जो है वो हाई है तो मीनिया होने के चांसेस हैं इसी तरह डोपामीन की अगर लेवल हाई है तो मीनिया होने के चांसेस हैं ठीक है जबकि डिप्रेशन में डोपामीन और जो नॉर एपिनफरिन है उन दोनों का लेवल जो है वो लो होता है तो ये दो डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर को डेवलप करने के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं थैंक यू